करने के लिए वाले, वही ये क्वेश्चन दिए होंगे ना घर से करने के सर लिए। उस दिन, सर हमको नहीं पता सर, उस दिन हमने लीव कर दिया था ना, मेरे नेटवर्क नहीं आ रहे थे, आपसे बोला था सर आपको मैंने आपको फोटो भेज दिया था मेरे हिसाब से ये ग्रुप पे, सब पता नहीं। स्नेहा रहेगी थी उसमें ग्रुप में, तो मैंने फोटो भेज दी थी आपको ग्रुप पे, भेज दिया था सर। जिसने जिसने कर लिया वो अपना मैच करते रहना। पहले वाले पार्ट का स्लोप क्या आया सर? 1.2 आएगा स्लोप, एम टेन थीटा ये तो होता है ना। हाँ, और पैरेलल लाइन है, ये स्लोप है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, तो दो पैरेलल हाँ। लाइन के बीच में एंगल कितना होता है? 0। हाँ, ये एक्स एक्सिस और ये आपका स्लोप। हाँ, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल होता है थीटा। अब ये मान लो आपकी एक्स एक्सिस और ये मान लो आपका स्लोप, परपेंडिकुलर हो गया, थीटा कितना हो गया? 90। हाँ, तो स्लोप आपका इसमें थीटा 0 और टेन 0 की वैल्यू मैंने 0 लिखाई थी, आपको पता होगी। ओके, एरिया की बात करें तो एरिया कितना हो जाएगा? 2 × 2 = 4। अरे 1 से लेके 3, हाँ, ये डिस्टेंस कितनी होगी? जब एरिया निकालोगे तो ऊपर से बरसात कराओगे ना। यस सर। और जब बरसात कराओगे तो देखो ये वाला पार्ट सूखा बचेगा, ये वाला। हाँ, शेडेड पार्ट। अहमद सुनना रहा है? यस सर। तो ये कितना हो जाएगा? ये 1 से लेके 3 2 हो जाएगा, ये 0 से लेके 2 2 हो जाएगा, 2 2 जा, ठीक है? यस सर। उसके बाद ऐसी जब इस वाले पार्ट निकालोगे, सेकंड वाले पार्ट का पहले वाले का स्लोप तो वही आएगा, इसका स्लोप। हाँ, स्लोप 0 आएगा। और इसका स्लोप कैसे निकालोगे? इसका स्लोप m = tan θ हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना? ये वाला 5 से लेके 10, यानी कि 5। और बेस कितना है? ये है बेस इसका, देखो ये वाला, ये कितना है? 4 से लेके 5 एक ही तो आया डिफरेंस। हाँ सर। और जब एरिया निकालोगे तो ऊपर से बरसात कराओ। यस सर। ये वाला पार्ट सूखा हुआ बचेगा। हाँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगाओगे इसमें। हाँ, सम ऑफ पैरेलल साइड हो जाएगा, ये तो हो जाएगी 2 से लेके 4। यस सर, है ना। और हाँ, ये हो जाएगी 2 से लेके 5। हाँ, सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि 2 से लेके 4 तो 2 हुई और 2 से लेके 5 3 हुई। हाँ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 3 हो गई। हाँ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2 हो गई। मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितनी है? 5 से लेके 10 यानी कि 5। और आगे लगा होता 1/2। 25/2 कितना हो गया? 12.5। ये एरिया हो गया। क्लियर? हाँ। अब इसके बाद जब इस तरह से जो जो डब्बे बंद होते हैं, जो बंद होता है, बंद दिखाई दे रहा है, उसमें सिर्फ अंदर अंदर का एरिया लेते हैं। ओके सर। जब बंद हो जाएगा, जैसे ये खुला हुआ, देखो ये यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, तो हम नीचे का पूरा एरिया लेंगे ये वाला। और अगर ये बंद हो गया तो फिर अंदर अंदर का एरिया लेंगे, तो ये तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा ना। वो क्या होता है? 1/2 बेस इनटू हाइट। ये कहाँ था? 5। हाँ, और ये कितना है? 15। 5 से 15 कितना होता है? 10। 10 और ये हो गया 2 से लेके 10 यानी कि 8। कितना हो गया ये? 5 × 8 = 40। ठीक है। अच्छा, स्लोप की बात करोगे तो इस वाले का स्लोप तो आ रहा होगा इन्फिनिटी। क्यों आ रहा है? क्योंकि थीटा है 90 और टेन 90 कितना हो जाता है? इन्फिनिटी। मैंने लिखा था आपको 1090 की वैल्यू। इसकी बात करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0, क्योंकि ये एक्सिस के पैरेलल है। और इसका स्लोप आप निकाल सकते हो। परपेंडिकुलर कितना है? 10 से लेके 2 यानी कि 8। और बेस कितना है? 5 से लेके 15 यानी कि 10। ये हो गया। चलो इसकी बात कर लेते हैं। इसका एरिया क्या निकल के आएगा? ये क्या है? ये ऐसे समझ लो, इसको ऐसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो, ऊपर वाला ट्रायंगल, हाँ, नीचे वाला रेक्टेंगल। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 बेस 3 से लेके 5 यानी कि 2। हाइट हो जाएगी यहां से लेके यहां तक यानी 2 से लेके 4 यानी कि 2। ये तो ट्रायंगल का एरिया हो गया। प्लस
रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 3 से लेके 5 यानी कि 2, फिर हाइट हो जाएगी, ये साइड हो जाएगी 0 से लेके 2 यानी कि 2, तो कितना हो गया 2 + 4 यानी कि कितना हो गया 6, तो एरिया कितना आया इसका 6। पहले वाले का स्लोप कितना आएगा M1, स्लोप होता है 10 थीटा है ना, तो थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया इसका, परपेंडिकुलर कितना 2 से लेके 4 यानी कि 2 और बेस हो गया 3 से लेके 4 यानी कि 1, इसका स्लोप हो गया। इसका स्लोप निकालोगे तो इसका भी सेम आएगा 2 से लेके 4 यानी कि 2, 4 से लेके 5 यानी कि 1। सारे पार्ट देख लो जल्दी क्विक, अगर कहीं कंफ्यूजन है झोल मोल है तो अभी पूछ लो, क्योंकि आपको फिर क्वेश्चंस नहीं होंगे अगर आपको। और एक चीज बता दूं मैं आपको, जो आप ये चीजें समझ रहे हो ना, ये आपके 9th स्टैंडर्ड की चीजें नहीं है, आपके स्कूल में कोई टीचर नहीं होगा, आपके क्लास में रेयरली शायद कोई बच्चा होगा जिसको ये कॉन्सेप्ट पता होंगे, लेकिन आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ क्यों रहे हो, क्योंकि अगर आपने ये सीख लिए यकीन मानो मेरी बात का, आपको फिजिक्स इतनी आसान लगने लगेगी, चाहे वो आपका काइनेमेटिक्स हो, चाहे वो आपका वर्क एनर्जी पावर हो, चाहे आपका वो लॉज ऑफ मोशन हो यानी कि फोर्स हो, बहुत आसान लगने लगेगी। क्लियर? एरिया वेरिया हमने कैसे निकाला, चलो एक क्वेश्चन और देते हैं फिर एरिया निकालने के लिए। चलो एरिया बाद में देंगे, पहले ना एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे तुम्हें, उसके बाद करना उस क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन ये उठता है कि हमने एरिया और स्लोप निकालने क्यों सीखे हैं। देखो हमारे पास कौन कौन से ग्राफ थे, एक ग्राफ था एक्स टी ग्राफ का मतलब क्या था, पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर आपने एक्स वर्सेस टी ग्राफ बनाया और उस ग्राफ का आपने स्लोप कैलकुलेट किया, क्या कैलकुलेट किया आपने, स्लोप, किसका, एक्स टी ग्राफ का, क्या निकाला आपने, स्लोप। तो आप याद कर लेना, अगर ये एक्स डिस्टेंस है तो इसका स्लोप सॉल्व होने के बाद आपको स्पीड देगा, और अगर ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो ये सॉल्व होने के बाद आपको वेलोसिटी, यानी आपके पास ग्राफ था, कौन सा ग्राफ था, एक्स टी ग्राफ था। अब एक्स या तो डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा, यस सर। अगर पोजीशन होता है तो पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट मान के काम करते हैं, पोजीशन क्या मानते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपके पास एक्स टी ग्राफ है और एक्स टी ग्राफ का आप स्लोप कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो स्लोप कैलकुलेट होने के बाद आपको एक आंसर देगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही थी सॉल्व होके आ रही थी ना, वो न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर ही तो है ना, आंसर। हाँ। वो आंसर जो रिजल्ट कर रहा है, वो आंसर रिजल्ट क्या दे रहा है, स्पीड या वेलोसिटी, ऐसे ही। हाँ। तो मैं यहाँ पे वेलोसिटी लिख देता हूँ। फिर आपके पास एक वी वर्सेस टी ग्राफ था, वी वर्सेस टी ग्राफ, यस सर, वर्सेस टी ग्राफ यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, अगर ये वी स्पीड है, क्या है, स्पीड, या क्या है, वेलोसिटी, स्पीड है या वेलोसिटी, दोनों ही केस में आपको क्या मिलने वाला है, एक्सेलरेशन मिलने वाला है, एक्सेलरेशन। आपको कोई ग्राफ दे रखा है उसने वी टी का, जिसमें एक तरफ वेलोसिटी एक तरफ टाइम है, और आप उसका स्लोप कैलकुलेट करने बैठ के मान लो, तो स्लोप कैलकुलेट करने के बाद एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, और वो न्यूमेरिकल वैल्यू आप किसके बराबर होगी, एक्सेलरेशन बराबर होगी। तो मैं जब वी टी ग्राफ का स्लोप निकालता हूँ तो उसकी जो वैल्यू देगी वो मेरे को एक्सेलरेशन देगी। क्लियर हो गया? यस सर। की बात? चलिए फिर कोई मेरे से पूछे कि अगर मैं ए वर्सेस टी ग्राफ बनाऊं, ये भी तो मेरे पास ग्राफ होता है, और फिर उसका स्लोप कैलकुलेट करने बैठ जाऊं, उसका स्लोप कुछ नहीं देता, नथिंग, कुछ नहीं देगा, यूजलेस। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप कुछ नहीं देता, क्रॉस। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? ये तो बात हुई स्लोप की, जो आप स्लोप निकालना सीख रहे थे। अब बात कर लेते हैं इन्हीं के एरिया की, कि अगर आप AT का स्लोप तो चलो कुछ नहीं दे रहा, लेकिन अगर आपके पास AT ग्राफ है और आप उसका एरिया निकालने बैठ गए, तो एरिया आपको देगा डेल्टा V, डेल्टा V यानी चेंज इन वेलोसिटी। तो
तो आपने ए वर्सेस टी ग्राफ बनाया और आप उसका क्या निकालिए, हुए रेड वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड पार्ट एरिया, यानी आपके पास ए वर्सेस टी ग्राफ था और आप उसका एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, तो एरिया किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी की तरफ। सेम ऐसे आपके पास वीटी ग्राफ होगा, आप उसका भी तो एरिया निकाल सकते हो, तो वो आपको क्या देगा निकाल के, डिस्प्लेसमेंट, क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि v वर्सेस t ग्राफ का जब आप स्लोप कैलकुलेट करेंगे, वो स्लोप नहीं एरिया, जब एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या पॉइंट कर रहा है आपको, डिस्प्लेसमेंट। फिर ऐसे अगर आप x वर्सेस t ग्राफ निकालेंगे तो क्या देगा वो, नथिंग, मगर आप x वर्सेस t ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करते हो तो आपको क्या मिलेगा। तो मैंने आपको एक टेक्निकल एक एनालिसिस करके एक बहुत अच्छा रिजल्ट दे दिया और उसको याद करने का तरीका भी बता दिया, ताकि आप भूले ना। आपके पास कितने तरह के ग्राफ होते हैं, हमने कहा जी हमारे पास सिलेबस में तीन तरह के ग्राफ, मैं दोबारा बता देता हूँ हमने कैसे बनाया, x वर्सेस t ग्राफ, v वर्सेस t ग्राफ, a वर्सेस t ग्राफ, यही है हमारे पास तीन तरह के एरो है। एक डाउनवर्ड एरो जो वर्सेस रिप्रेजेंट करते हैं, वर्सेस तो समझते हो ना, तनु वेक्स मनु है ना, तनु वेक्स मनु वर्सेस, एक किस किस के बीच में प्लॉट किया जा रहा है। एक हमारे पास फॉरवर्ड एरोज होंगे और एक बार हमारे पास बैकवर्ड एरोज होंगे। फॉरवर्ड एरो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बैकवर्ड एरोज एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो एरो है ये वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो क्वांटिटी सॉल्व होने के बाद आपके सामने आने वाली है। देखो जरा, एक्स वर्सेस टी ग्राफ, वी कैलकुलेट द स्लोप एंड द आंसर इज वेलोसिटी, वी वर्सेस टी ग्राफ एंड द स्लोप एक्सेलरेशन, ए वर्सेस टी ग्राफ एंड द स्लोप इज कुछ है ही नहीं, नथिंग, ए वर्सेस टी ग्राफ का एरिया एंड रिजल्ट इज वेलोसिटी, और ज्यादा अच्छा आंसर क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी आंसर तभी होगा जब इनिशियल जीरो होगी। अच्छा, वी वर्सेस टी का अगर आप स्लोप, सॉरी वर्सेस ग्राफ बनाते हैं और एरिया कैलकुलेट करते हैं, क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट। बेटा एक मिनट, में कॉल आ रहा है। ठीक है, ओके सर, ठीक है, तो ऐसी x वर्सेस t ग्राफ जब निकालेंगे आप तो उस केस में कुछ नहीं मिलेगा आपको, उसका एरिया कुछ नहीं मिलेगा, बताओ क्लियर हो गया, साथ के साथ याद हो गया ना आपको ये पैटर्न। यस सर, देख लो आराम से, कोई दिक्कत हो तो। नहीं है ना, चलो नो सर, देखते हैं हम चीजों को यूटिलाइज कैसे करेंगे, हम ये देखते हैं। तो उसको यूटिलाइज ऐसे करेंगे कि जैसे मान लो मैंने आपको दिया एक ग्राफ x वर्सेस t, ओके, और ऐसे करके दे रखा है ग्राफ, तो पहले बताओ x वर्सेस t ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी, अगर x डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी दे देगा और डिस्टेंस है तो स्पीड दे देगा, और एरिया क्या देता है, एरिया क्या देता है,
सर एरिया दे रहा एक्सलेशन नो कुछ नहीं देता बेटा एक्सटी का एरिया कुछ नहीं देता हाँ सर एक्सटी का कुछ नहीं देता नहीं देता है ना हाँ तो अब ये बताओ इस वाले ग्राफ का स्लोप कितना आएगा सॉल्व करने पर इसका स्लोप कैलकुलेट करो जरा बताओ जरा अरे बताया था ना जैसे अगर आपको दिक्कत आती है तो आप एक काम किया करो ग्राफ पे एक दो पॉइंट मार्क कर लो तीन पॉइंट मार्क कर लो सर 1 2 3 कर लिए अब जब इस वाले पॉइंट से आप ये जो टाइम एक्सिस है इसके जब पैरेलल लाइन खींचेंगे तो इसी के ऊपर तो आएगी एग्जैक्टली वो हाँ और जब एग्जैक्टली इसके ऊपर ये आएगी तो थीटा कितना बनेगा दोनों लाइन के बीच में सर जीरो एन जीरो की वैल्यू कितनी होती है जीरो तो इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या है yes, sir. जीरो है ना हाँ तो इसका मतलब आंसर आपका जीरो आया अब इसमें जीरो क्या आया सर जीरो स्पीड वेलोसिटी है वेलोसिटी आ गई ना सर वेलोसिटी वेलोसिटी आ गई और वेलोसिटी होगी इसकी हाँ ऐसे हम आंसर ठीक है क्लियर है चाहे पॉइंट वन पे निकालो हाँ. चाहे पॉइंट टू पे निकालो चाहे पॉइंट तीन पे निकालो तीनों पॉइंट पे वेलोसिटी क्या आ रही है जीरो ठीक तो बॉडी क्या हाँ. है बॉडी रेस्ट पर है yes, है नहीं रेस्ट पे हाँ है तो ऐसे हम करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं बॉडी के ना अच्छा इसके बाद एक और ग्राफ देते हैं ऐसे आपको जज करना उनको जैसे मान लो इस बार ग्राफ ऐसे दे रखा है ये दे रखा है ठीक है ये भी एक्स ये टी अब हमें ग्राफ का ना करेक्टर बताना देखो न्यूमेरिकल वैल्यू तुम तब तक नहीं बता सकते जब तक यहाँ पर उसने डाटा ना दिया हो तो डाटा तो कुछ दिया नहीं yes, है याद रहा नहीं तो खाली आप करेक्टर बताओगे कि बॉडी रेस्ट पर है या बॉडी मूव कर रही है और मूव कर रही है तो कितनी स्पीड से मतलब कितना मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो उसके लिए क्या करेंगे हम तीन पॉइंट लेते हैं जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ ले लिया आपने एक पॉइंट यहाँ ले लिया आपने एक पॉइंट यहाँ ले लिया ले लिया अब तीनों पॉइंट पे आप क्या करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन खींच के देखो जिससे हमें थीटा पता चल जाएगा क्या पता चल जाएगा मुझसे थीटा देखते हैं जरा थीटा देखो जरा एक लाइन ये खींच दी हमने पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन हमने ये खींच दी पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन हमने ये खींच दी ऐसी पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर इसी पॉइंट पे खींचनी है तो अब तीन पॉइंट पे हमें तीन लाइन मिल गई है और तीनों लाइन के अगर हम एंगल कैलकुलेट करते हैं दिस इज कॉल्ड थीटा वन दिस इज कॉल्ड थीटा टू एंड दिस इज कॉल्ड थीटा थ्री यस सर थीटा थ्री तीन एंगल आ गए क्या बता सकते हो तीनों एंगल में रिलेशन क्या है हाँ. बराबर है बड़ा है छोटा है क्या है सर बड़ा बड़ा बराबर है बड़े है क्या है रिलेशन एंगल्स का बराबर है ना हाँ तो इसी को बोलते हैं क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है ना आपके हाँ अगर ये एंगल बराबर है थीटा बराबर है तो क्या स्लोप बराबर नहीं होगा सर होगा इसका मतलब ये हो गया हम ये कह सकते हैं इफ थीटा इज इक्वल then tan theta is also equal then yes, slope sir. are also equal हाँ the slope is equal अब हमें पता होगा कि xt का slope देता क्या है answer क्या करता है xt का slope sir xt का slope velocity velocity देता है तो यानी velocity at point one velocity at point two and velocity at point three all three are equal अब वेलोसिटी जब इक्वल होती है तो हम इसको क्या कहेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ हां यस सर इसको
कांस्टेंट कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ ऐसे ही पूछता है बस वो कि बताइए कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ है नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ है कि नहीं है, ठीक है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ऐसे पूछता है। क्लियर हो गया? हाँ। इसको खाली ना वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकता है, कांस्टेंट भी है, क्या कह सकता है? ओनली यूनिफॉर्म। हाँ सर, एक होता है यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग, एक होता है यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग, तो वो तो अलग, वो तो नॉन यूनिफॉर्म। हाँ सर, आपने बताया था। हाँ बस एग्जैक्टली भाई, है ना, ये समझ में आ गया। अब अगर यही ग्राफ सिमिलरली वो ऐसे देता है, ऐसे, आप जरा बताओ इसे जज करके। बताइए क्या होना चाहिए आंसर इसका? नहीं पड़ेंगी ना, खुद से थोड़ी आएंगी। जैसे आपने यहाँ बना दी पैरेलल लाइन, यहाँ एक लाइन ऐसे आएगी, यस सर, ऐसे करके आएगी ना, यहाँ ऐसे वो आएगी, वो ऐसे आएगी, यस सर, एक आएगी वो, ठीक है। अब इस लाइन से ग्राफ को आप चेक करेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि ये जो एंगल है थीटा वन, ये एंगल थीटा टू और ये एंगल थीटा थ्री, ऊपर जाते में एंगल बढ़ता हुआ जा रहा है, थीटा वन सबसे छोटा रह गया और थीटा थ्री सबसे बड़ा हो गया। अब थीटा अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो टेन थीटा भी तो इंक्रीज करता, आपको मैंने टेबल में वैल्यू लिखाई थी, और टेन थीटा इंक्रीज कर रहा है तो स्लोप इंक्रीज कर रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ये कैलकुलेटिव डाटा है, आप उसमें रट्टा नहीं मार रहे, आप उसमें समझ के काम हो। यस सर, ठीक है। मैं चलो तीन ग्राफ और बनाता हूँ, उनको और सॉल्व करिए। एक ग्राफ एक्स टी का ये आपके पास ऐसे, ये वाला एक एक्स टी का है आपके पास ऐसे, सीधा बना देते हैं, थोड़ा पैड टेढ़ा हो रहा है, और एक ग्राफ बना देते हैं ऐसे, ये तीनों एक्सटी ग्राफ है ना। फिर जब एक्सटी ग्राफ बना लेंगे तो इन्हीं के मैं आपको वीटी ग्राफ भी बना के देता हूँ। मान लो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाता है और वो ऐसे आता है, या ऐसे आता है एक वीटी ग्राफ, या ऐसे आता है एक वीटी ग्राफ, इधर सबके आंसर आप कैलकुलेट करें और बताएं। सर फर्स्ट वाला तो सर इंक्रीजिंग ग्राफ है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी ग्राफ। बेटा एक साथ कर लो, एक साथ देखेंगे। ओके सर।